दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार पुलिस के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, बिहार पुलिस का रिजल्ट जारी हो गया है, डिक्लेयर्ड हो गया है, घोषित हो गया है। आप रिजल्ट देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑब्लिक स्टेनोग्राफर का रिजल्ट जारी हो गया है। रिजल्ट कैसे देखेंगे, चलिए हम आपको ये बताते हैं। दोस्तों रिजल्ट देखने के लिए आपको रोजगारrizult.com खोलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, रोजगारrizult.com या तो दूसरी वेबसाइट आप खोल सकते हैं, सरकारीrizult.com। जी हाँ, दोनों ही टॉप की वेबसाइट है, नंबर वन वेबसाइट है, बहुत लोगों का भरोसा है। और दोस्तों आपको जब भी सरकारीrizult.com या रोजगारrizult.com खोलिएगा, आखिरी में .com जरूर लगाइएगा, क्योंकि सरकारीrizult और रोजगारrizult नाम से मिलती जुलती बहुत सी वेबसाइटें हैं। चूँकि लोग गलत खोल लेते हैं, इस वजह से उन्हें रिजल्ट या एडमिट कार्ड की सही जानकारी नहीं हो पाती, फॉर्म वगैरह भी अक्सर उनके छूट जाते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं सरकारी रिजल्ट और रोजगार रिजल्ट लिखने के बाद .com जरूर लगाइए। चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे रिजल्ट की, तो आइए रिजल्ट के लिए हम लोग को रिजल्ट के सेक्शन में जाना पड़ेगा। ये देखिए, रिजल्ट के सेक्शन में हम आएंगे, सबसे ऊपर ही हमको मिल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट आया हुआ है, आज ही जारी हुआ है। इसलिए हम आपको बता दें, बिहार पुलिस ASI स्टेनो टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट 2019। जी हाँ दोस्तों, हमको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, बिहार पेज का पेज ओपन हो जाएगा, बिहार पुलिस वाला। ये देखिए, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2018 का यह पेज है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो का रिक्रूटमेंट 2018 थी। ये फॉर्म 18 अप्रैल 2018 को आया था, और जिसकी भरने की आखिरी तारीख 24 मई 2018 थी। एग्ज़ाम इसका अगस्त में हुआ था, जिसका टाइपिंग टेस्ट अभी हुआ था 7 सितंबर 2019 को, और आज इसका रिजल्ट जारी हो गया है। यानी 7 सितंबर 2019 को इसका टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी हो गया है, और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, वो अगस्त 2018 में हुआ था। दोस्तों चलिए रिजल्ट के लिए बात करते हैं, तो हमको सबसे पहले नीचे आना पड़ेगा, जहाँ यूज़फुल इंपॉर्टेंट लिंक में। दोस्तों जैसे ही उस पर आएंगे, आप यहाँ देखेंगे डाउनलोड टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट। जी हाँ, हमको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और देखिए, कुछ दिन पहले इसका एडमिट कार्ड भी आया था, डाउनलोड टाइपिंग टेस्ट। जिन लोगों ने टाइपिंग टेस्ट दिया था, वही अपना रिजल्ट देख सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आया था। जिन लोगों ने इसका रिटन एग्जाम क्वालिफाइड किया था, वही लोग मेंस के लिए गए थे। चलिए हम लोग बात करते हैं रिजल्ट की। दोस्तों जैसे ही हम रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, एक दो पन्ने की PDF ओपन हो रही है। देखिए दोस्तों, 438 लोग इसमें क्वालिफाइड हुए हैं स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट में। जी हाँ दोस्तों, हम ये बता दें आपको कि इसका जो है, पर्सनली आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं 12, 13, 14, यानी 12, 13 एंड 14 सितंबर 2019 को, उनको BPSSC कार्यालय पटना में जाना पड़ेगा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जो भी अपने डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, और उसकी एक फ़ोटो कापी भी करा के जाइएगा। फ़ोटो कापी जिसमें डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ होना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आपको हम दिखा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने रिजल्ट का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप आसानी से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। एक पन्ने का रिजल्ट है, एक पन्ने में डिटेल है। दोस्तों उम्मीद है आप रिजल्ट देख सकेंगे। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है कि आप क्वालिफाइड हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम सबसे जल्दी और सबसे तेज़ अपडेट रिजल्ट वगैरह, एडमिट कार्ड, आंसर की, सब कुछ आपके लिए लेके आते हैं। और दोस्तों हम एक बार आपसे फिर कहेंगे, सरकारीrizult.com और रोजगारrizult.com ही खोलिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई नई वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।